हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किचूज मामा ब्लॉग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना किचन टूर शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट देना और बताना कि इस गरीब का किचन कैसा लग रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का किचन कैसा लग रहा है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट लुक मैं अपने किचन का दे रही हूँ, ये है बालकनी के साइड से है, मतलब बालकनी के साइड से जो दरवाज़ा है उधर से इंटर करने पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो देखिए, इधर मेरा सिंक है और मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, जो आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो देखिए, अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो है हॉल के साइड से इंटरेंस पे। देखिए, सामने जो है ये मेरा फ्रिज है। तो देखिए, इस तरह से कुछ मैं रखी हूँ, फ्रिज के ऊपर मैं कुछ डब्बे रखी हूँ, जो दूध नमकीन वगैरह के डब्बे होते हैं, हॉर्लिक्स, वो सब रखी हूँ, क्योंकि रखने की जगह बहुत कम है और मेरे पास वैसा कुछ सेल्फ नहीं है रखने के लिए। और नीचे जो है, मतलब काउंटर टॉप के नीचे, मैं ये आलू प्याज जुड़ी के रखी हूँ, और जो ढक के रखी हुई हूँ उसमें मेरा चीनी, चाय पत्ती, ये सब है। ढक के इसलिए रखी हूँ क्योंकि मेरा जो बेबी है वो निकाल देता है, और बर्तन रखने का रैक नहीं है, इसलिए मतलब स्टैंड नहीं है, तो मैं जोड़ी में रखी हूँ। और ये साइड में देखिए, मैंने कप रखा हुआ है और नमक और तेल का डब्बा है, और कुछ कुछ जो टिफ़िन वगैरह वो रखी हूँ, और साइड में मेरा जो वो चम्मच वम्मच का स्टैंड वगैरह है, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो स्टैंड मतलब हो सकती हैं, हुक में लगा के रखी हूँ। और साइड में मेरा ये आरओ है, देख लीजिए। और खाना मैं बनाई थी चावल और सब्ज़ी, वो गैस के ऊपर रखा हुआ है, और साइड में कुछ सामान भी रखे हुए हैं। तो देखिए, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को ये मेरा किचन टूर, ज़रूर बताइएगा किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज रखी हूँ और कैसे करना चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा मुझे। और देखिए, दरवाजे के पीछे मैं जो बैग्स होते हैं ना, वो मैं टांग के रखती हूँ ताकि ईज़िली हमें मिल जाए। और दरवाजे के पीछे ही छोटा सा काउंटर टॉप है, मतलब छोटा सा सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ नहीं मतलब वो रैक है, उसमें मैं ये कुछ स्टोरेज के सामान रखती हूँ, और मिक्सर ग्राइंडर भी वहीं रखती हूँ। और यहाँ मैं चेयर लगा के रखती हूँ ताकि मुझे कुछ सामान ऊपर से लेना हो तो मैं आराम से ईज़िली से ले सकूँ। तो देखिए, कुछ सामान जो है जो मुझे हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो मसाले हैं तो वो मैं वहीं से निकालती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये किचन टूर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।